जैसे कि हम सभी को पता है, आधार कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कार्ड हम लोगों को ऑलमोस्ट हर तरह की कामों में ज़रूरत होते हैं, चाहे वो स्कूल और कॉलेज में दाखिल कराने के लिए, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, और नहीं तो किसी प्रॉपर्टी को खरीद करने के लिए। ऐसा सिचुएशन पर हर एक इंडियन रेसिडेंट के लिए ये आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस आधार कार्ड को पाने के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़ता है, चाहे वो एनरोल करने के लिए हो, अपग्रेड करने के लिए, या फिर घर की पते पर आधार कार्ड को पाने के लिए हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं उनका नया वेब पोर्टल पर, ताकि हर एक प्रॉब्लम्स के लिए आपको इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट करने की बजाय ऑनलाइन से इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपना प्रॉब्लम्स रिलेटेड कंप्लेन कर सको और आसानी से जल्द उसका सोल्यूशन पा सको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ वन कैन फाइल अ कंप्लेन विच इज रिलेटेड टू हिज और हर आधार कार्ड ऑनलाइन। सो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए बगैर स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी आधार रिलेटेड कोई भी कंप्लेन फाइल करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करके उराई का इस वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आके आपको जो है ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से माय आधार ऑप्शन पर कर्सर रखकर अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये आपको सीधा उराई का इस नया वेब पोर्टल पर ले आएगा, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। ये है उराई का नया वेब पोर्टल माय आधार। इस वेब पोर्टल पर आके आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करते ही आपको फाइल ए कंप्लेन बोल के एक नया टैब देखने को मिलेगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। इस ऑप्शन को ही उराई की तरफ से इस वेब पोर्टल पर ऐड कर दिए गए हैं, ताकि आप अपना आधार रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट को लॉन्च कर सको थ्रू दिस वेब पोर्टल। तो चलिए इसके ऊपर टैप कर देते हैं। टैप करते ही कंप्लेंट फाइल करने का एक पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपना कंप्लेंट रिलेटेड डिटेल्स भर देना होगा। मार्क किए गए फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी इस फील्ड्स को आपको जो है भरना ही होगा, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप भर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद आता है स्टेट। कंप्लेन आप किसके लिए कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये आपका खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेन टाइप, फॉलोड बाय कैटेगरी टाइप, एंड फाइनली यू हैव टू फिल द कैप्चा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो चलिए अब इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। लेकिन फिल करने से पहले यहाँ पर दिए गए कंप्लेंट टाइप और कैटेगरी टाइप को एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। अगर आप कंप्लेंट टाइप का ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कई कंप्लेंट रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। अगर आप आधार लेटर और पीबीसी स्टेटस को सिलेक्ट करोगे तो उसी के नीचे कैटेगरी टाइप का कई ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आधार पीबीसी कार्ड नॉट रिसीव्ड, आधार लेटर नॉट रिसीव्ड आफ्टर 90 डेज ऑफ एनरोलमेंट, इफ मनी इज डिडक्टेड एंड पीबीसी कार्ड ऑर्डर इज फेल्ड, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर पीबीसी कार्ड बट डिडंट रिसीव्ड ऑर्डर नंबर। अगर आप ऑथेंटिकेशन इशू को सिलेक्ट करेंगे एज कंप्लेंट टाइप, तब आपको इस ऑप्शंस को देखने को मिलेगा, जैसे कि
Even after successful Aadhaar update, my old details are still reflecting on newly downloaded Aadhaar, getting error while trying to authenticate. I am facing issues with mAadhaar, recently updated phone number but not receiving OTP on the same. इसके बाद अगर आप एनरोलमेंट रिलेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको माय एनरोलमेंट गट रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर और एनरोलमेंट एजेंसी। इसको सिलेक्ट करते ही यू विल हैव द ऑप्शंस लाइक एरिया पिन कोड इज नॉट अवेलेबल और मिसमैच्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली टू अकाउंट होल्डर्स, enrollment agency is listed on URAI website but not available at the mentioned location, enrollment agency is not available in my area, enrollment agency demanded money for free service, enrollment agency took or demanded extra money, lack of facilities at enrollment center, staff was rude or denied for service, unable to capture biometrics. अब है पोर्टल और एप्लीकेशन इशू, जिसको सिलेक्ट करते ही आपको कैटेगरी टाइप में अपॉइंटमेंट, पोर्टल इज नॉट वर्किंग, चेक आधार स्टेटस और SSUP फॉर ऑनलाइन अपडेट इज नॉट वर्किंग जैसे ऑप्शंस। अगर आप कंप्लेंट टाइप्स का लास्ट ऑप्शन अपडेट रिलेटेड को चुनेंगे तो आपको और ढेर सारे ऑप्शंस को देखने को मिलेगा, जैसे कि acknowledgement received, not received after successfully payment, getting no description while checking status of update request, mobile number update request is under process for more than 30 days, no status available for 30 days for online update request, OTP not received on registered phone number, payment is deducted but shows failed on SSUP and payment is not refunded for more than 21 days, rejected due to resident biometric verification failure, rejected due to process enrollment errors, status for update request in progress for more than 30 days and unable to download payment receipt or acknowledgement received. Now let's enter the details. नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट को एंटर करने के बाद अब मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर माई सेल्फ। अब हमको कंप्लेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैं ऑपरेटर और एनरोलमेंट एजेंसी टाइप को चुन रहा हूं और कैटेगरी टाइप में से अनेबल टू कैप्चर बायोमेट्रिक्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। ऐसा करते ही नीचे की तरफ देखिए मुझको कह जा रहा है कि डियर रेसिडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस अलोंग विद पिन कोड टू रिजॉल्व योर कंसर्न इफेक्टिवली। जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं कि डिटेल्स को देखने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हो, तो चलिए मैं अपना ये डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिए गए कैप्चा को बैठा के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही ये देखिए मेरा ये कंप्लेन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसी के साथ यहाँ पर SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिए गए हैं ताकि हम बाद में इसका स्टेटस को ट्रैक कर सके। तो चलिए मैं इस SRN को कॉपी कर लेते हैं और डैशबोर्ड पर बैक जाते हैं। डैशबोर्ड पर आके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और चेक कंप्लेंट स्टेटस ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करते ही एक नया पेज आ जाएगा जहां पर आपको SRN और कैप्चा को एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए SRN और कैप्चा को एंटर करके सबमिट पर
क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आपको एक कंप्लेंट नंबर दे दिए जाएंगे और उसी के ठीक नीचे आपको स्टेटस एस असाइंड दिखाई देगा, जहां पर सब लिखा है कि योर केस हैज बीन असाइंड टू द कंसर्न डिविजन्स फॉर फर्दर रिजोल्यूशन। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप अ नोट ऑफ केस नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग। यानी आपका केस कंसर्न डिविजन के पास असाइंड कर दिए गए हैं और आपको रिक्वेस्ट किए जा रहा है कि आप प्लीज इस केस नंबर को नोट करके रखें फर्दर कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए। तो ऐसा करके आप भी अपना कोई भी अदर रिलेटेड कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन से इस पोर्टल के जरिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना, एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।